मैंने अता ऐसा कर हौसला या इलाही। दाढ़ी मुंडाने वालों या एक मुट्ठी से घटाने वालों के लिए मकाम गौर है कि हदीस पाक में आता है मूंछों को खूब पस्त करो, दाढ़ियों को मुआफी दो यानी बढ़ने दो, और यहूदियों जैसी सूरत मत बनाओ। सरकार का आशिक भी क्या दाढ़ी मुंडाता है? क्यों इश्क का चेहरे से इजहार नहीं होता? कहा जाता है कोयटा के करीबी गांव में एक लावारिस क्लीन शेव नौजवान मरा पाया गया। लोगों ने मिलकर उसको दफना दिया। इतने में मरहूम के अजीज आ पहुंचे और कहने लगे कि हम इसकी लाश को निकाल कर ले जाएंगे और अपने गांव में दफनाएंगे। लिहाजा कब्र दोबारा खोदी गई। जब चेहरे की तरफ से सिंध हटाई गई तो लोगों की चीखें निकल गई। कफन चेहरे से हटा हुआ था और क्लीन शेव नौजवान के चेहरे पर काले काले बिच्छुओं की काली काली दाढ़ी बनी हुई थी। घबरा कर जल्दी जल्दी सिंध रखी, मिट्टी डाली और लोग भाग गए। और मीठे मीठे प्यारे प्यारे साईं भाइयों, जल्दी जल्दी प्यारे प्यारे और शहद से भी मीठे मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की निशानी पाकीज़ा सुन्नत चेहरे पर सजा लीजिए। और जो अब तक मुंडाते खसखशी करवाते रहे हैं वो याद रखें कि दाढ़ी बढ़ाने की नीयत करने से गुनाह माफ नहीं हो जाएगा, बल्कि दाढ़ी रख लेंगे तब भी गुनाह माफ ना हुआ, बल्कि इसका तरीका यह है कि उस गुनाह से तौबा भी करनी होगी कि आज तक जो दाढ़ी मुंडाई या एक मुट्ठी से घटाई मैं उससे तौबा करता हूं। याद रखिए दाढ़ी मुंडाना भी हराम और एक मुट्ठी से घटाना भी हराम। मैंने की दावत की धूप में मचाऊं अता ऐसा कर हौसला।